हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सुबह उठ गए, भूख लग रही थी तो जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। यार रुक जाओ ना, मतलब आप देख भी नहीं रहे, बाइक से चलते हैं क्योंकि ऐसे यहाँ तो होटल होटल दिख रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट तो दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनली हम अपनी बाइक ले आए और ढूंढने जा रहे हैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ बैठकर हम खाना खा सकें। और हमें रेस्टोरेंट मिल गया, इसके अंदर जाके खाना जल्दी जल्दी ऑर्डर करते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। अभी नेक्स्ट डे हम उदयपुर में सुबह नाश्ते के लिए बाहर आए हैं। इधर देखो, मैं बताती हूँ, यार हमने ना कल जो रूम लिया वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज हम रूम चेंज करने का सोच रहे हैं, उसके लिए ना खाना ऑर्डर करके देख रहे हैं कि कहाँ जाया जाए। तो रूम हम जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद नहा धो के ना जाएंगे घूमने फिरने और आप लोगों को उदयपुर दिखाएंगे। आज की शुरुआत हो रही है पराठे से। खाना खा के हम लोग चले ही थे कि हमें लगा कि शायद ना बाइक में कुछ दिक्कत है, हवा वगैरह कम है या क्या। तो हमने सोचा कि हवा भरवा ही ली जाए और यहाँ हम हवा भरवा रहे हैं टायर्स में, और साथ ही हम चाहते हैं कि रूम जल्दी मिल जाए ताकि घूमने का ज़्यादा टाइम बच जाए। ये होटल से चेकआउट कर दिया और आज का दिन हमारा घूमने का रहेगा। भैया ये बाइक देख रहे हो, बाइक पे बैग जो लगाना था ना, बहुत मुश्किल काम था क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, समझ नहीं आया। अच्छा हुआ वो तो हमने वीडियो बना ली थी उनकी, भैया की, है ना। तो कर कर आके सेट कर लिया, पहले यहाँ से जोड़ा फिर नीचे वाले जोड़े। नेक्स्ट टाइम आपको लगाते हुए दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कैसे लगते हैं ये। मुश्किल काम है ये हमारे लिए, तो मुश्किल है। एक दो बार कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ चलो चले। जैसे तैसे करके हमें ना ये होटल अच्छा लगा था, ऑनलाइन बुक किया, थोड़ा शहर से थोड़ा सा बाहर आके है बट अच्छा है। रूम देखते हैं कैसे होंगे। एंट्री करके हम लोग चल दिए रूम की तरफ। ना रूम बुक कर लिया सेकंड फ्लोर पे, लेफ्ट की खराब है। और ना अभी हमने जहाँ बाइक खड़ी की है वहाँ क्या हुआ, जो होटल के मैनेजर हैं या कौन है वो पूछने लगे कि कहाँ से आए हो, कितना किलोमीटर। तो हैरान रह गए। ये हमारा रूम है, टू जीरो देखते हैं, 3 यही है, यही है। कैसे लगेगा काम? दिखाते हैं रूम कैसा है। सबसे अच्छा पार्ट मुझे पता क्या लगा, रूम तो है ही अच्छा कि ना ये जो सीट है और ये टैप है ये दूर दूर है, वरना कहीं उसमें ना बिल्कुल पास पास होती है। और सेकंड चीज मुझे ये अट्रैक्टिव लगी, ये हटाओ। और ये गेट बड़ा क्यूट है यार, ब्लू और वाइट की थीम है इनकी। हाँ। जो मेरा फेवरेट होते हैं कलर। ये गेट बड़ा प्यारा लग रहा है। ये बाहर का व्यू है, कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा मुझे। आप बताओ अब कैसा लग रहा है आपको, बर्थडे बॉय बर्थडे में मजे ले रहे हो हैं? कितने का पड़ा है रूम? ये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 2700 रुपये। और जो लोग अपने आप से आए हैं ये तो हमें, हाँ अदरवाइज मतलब। मैं ना एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, यूजली सब लोग करते होंगे, बाइक वालों को ज़रूरत पड़ ही जाती है। हम लोग जैसे घर से जल्दबाजी में निकले हैं ना, वहाँ से निकले तो वो कपड़े वॉश तो कर लिए थे, सुखाने का टाइम हमें मिल नहीं पाया, ओवरनाइट फैन के नीचे पड़े रहे पर सूख नहीं पाए क्योंकि मौसम ऐसा आ गया। सारे कपड़े ना, यहाँ अच्छी धूप आ रही थी, ये वाला मुझे अभी पहनना है, ये मैंने डाल दिया सूख जाएगा। जीन पहननी है और ये रात को आके कपड़े पहनने की ज़रूरत है। तो सही लग रहा है, तैयार हो के अब जा रहे हैं हम कहाँ पता नहीं, खाने खाएंगे सबसे पहले तो। हाँ तो अभी हमने ना यहाँ पूछा था कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो सज्जनगढ़ है, क्या है वो? नहीं नहीं वो तो कर, हाँ सज्जनगढ़, हाँ हाँ। तो खा के सबसे पहले हम वहीं जाएंगे, फिर एक पिचोला लेक, हाँ। देखते हैं ये क्या क्या है। मंदिर, करनी माता मंदिर, करनी माता तो रोड पे वो, उसने यही बोला ना कि सज्जन 20 मंदिर है, देख लेंगे जितने। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उदयपुर घूमने के लिए। राजस्थान तो है ही फेमस इन सब चीज़ों के लिए, फोर्ट्स, पैलेसेस, है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो अभी फ़िलहाल तो जैसा कि प्लान बना है हम सज्जनगढ़ पैलेस जा रहे हैं।
यहाँ ना रास्ते में मतलब मैंने बाइक वगैरह पे देखा है काफ़ी सारी लेडीज़ ने काफ़ी अच्छे अच्छे इतने कलरफुल ड्रेसेस पहन रखे हैं ना, लहंगे और मतलब लहंगा चोली दुपट्टे इतने प्यारे प्यारे कि मेरा मन कर रहा है मैं खरीद लूँ ऐसा कुछ। सज्जनगढ़ जाते जाते ना भूख तो लगी रही थी, एक रेस्टोरेंट देखते देखते यहाँ आ गए और यहाँ से पहुँच के हिल टॉप पैलेस जो हमने देखा बुकिंग करने के लिए बट हम कर नहीं पाए। पर इसे यहाँ खाना देखते हैं कैसा है, रेस्टोरेंट देख के चलते हैं और इनके रूम्स भी पता कर लेते हैं कैसे हैं, ताकि अगर रुकना हुआ तो यहाँ रुक जाएंगे ना। अब इन्हें दुख हो रहा है कि वहाँ हमने 2700 का रूम लिया और कोई व्यू नहीं, और ये देखो भाई साहब मस्त नज़ारा यार सही में। और मैं कल ना मैं यही आपको होटल बता रही सुबह थी। बता रही थी लेकिन फिर हाँ भी कैंसिल नहीं करवा दिया। एक बात बताऊँ, यहाँ ना वेट टिश्यूज आए हैं बिल्कुल ऐसे प्लेट में रख के लाए गए हाथ धोने के लिए, और ये हाथ धोने की ज़रूरत है अच्छे होटल्स में आने का, ये तो फायदा है। और ये है हमारा फेवरेट पार्ट, खाने के बाद सौंफ चीनी खाने का जो मज़ा है ना भैया वो कहीं नहीं है। खाना खा के वापस जाने लगे थे तो अंदर हमने देखा कि ये इन्होंने एक शॉप बना रखी है यहीं होटल के अंदर ही, और यहाँ आके ना मुझे आ रहा है लालच कि मैं तो कुछ ना कुछ लूँगी और शायद मैं यहाँ सब कुछ लेके ही जाऊँ। तो हम सज्जनगढ़ पैलेस तो गए नहीं, जाके बाहर से वापस आ गए क्योंकि इनके मन में था कि सिटी पैलेस इम्पोर्टेंट है, देखना पहले वो देखेंगे। तो ये मार्केट है जहाँ हम रात भी आए थे और ये ओल्ड सिटी में ही है, यहाँ से टिकट लिया जाएगा। टिकट मेरा ख्याल है एक का 200 कुछ का है शायद, एग्जैक्ट तो पता नहीं बट चलो ये आएंगे तो बताएंगे। और अंदर कुछ ऐसा मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जब भी मैं मार्केट देख लेती हूँ और वहाँ के कल्चर की अलग अलग चीज़ें देखती हूँ ना, मेरे को लालच आ जाता है, मन करता है मैं ले लूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने तो एक जगह से एक कुर्ती और एक स्कर्ट ले ली है ऑलरेडी, और साथ में बैंगल्स भी ले लिए, यानी यहाँ के जो फेमस मतलब जो लाख के कड़े उस टाइप का ही है कुछ, है ना, वो ले लिया। और अभी भी देख के लालच आ रहा है कि और कुछ भी यहाँ से ले लिया जाए। ये टिकट लेके आए हैं और टिकट तो भाई कमाल के गजब, कितने कितने के आए ये? 400 रुपीज पर हेड। पर हेड 400 यानी टोटल 800 का भी लिया है। कितना? 25। ओके VIP ट्रीटमेंट सा फील हो रहा है मुझे तो, है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि जो आपको ये सजेशन दिया ना यहाँ आने का, बढ़िया ही दिया किसी ने। चलिए आज ना आपको उदयपुर के बारे में कुछ बताते हैं। मेवाड़ के जो राजा थे ना उदय सिंह जी, 1559 के आसपास वो चित्तौड़गढ़ से यहाँ आए और उन्होंने ये जो बसाया था यहाँ शहर उदयपुर के नाम से, और ये वाला जो सिटी पैलेस है ये भी उनका ही बनवाया हुआ है। और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ 7 लेक्स हैं, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे हम। और ये सिटी पैलेस के अंदर ये स्कूल के बच्चों के साथ हमारी एंट्री हो रही है कुछ इस तरीके से। जब हम एंटर हुए ना हमने काफ़ी सारे वेपन्स देखे, है ना, मतलब ये तो थोड़े से आप लोगों को दिखा रही हूँ, हम पीछे काफ़ी सारे देख के आए हैं। और ये देखो यहाँ आके इतना सुंदर व्यू है ना यार, मतलब हमने यहाँ फोटोग्राफी की, फोटोशूट करके मज़ा आया, अच्छे अच्छे फोटोज़ लिए और आगे देखेंगे। और पीछे बच्चे हैं ना उनका भी काफ़ी सारा रश हो गया था तो हमने अपना टाइम यहाँ स्पेंड किया। और जो मतलब म्यूज़ियम की बात हम कर रहे थे ना कि म्यूज़ियम में उनके टाइम का सारा कुछ है, उनके रूम्स तक, उनके बेड तक, है ना, आगे आपको दिखाने की कोशिश भी रहेगी।
ये सिटी पैलेस है उदयपुर में, और यहाँ ना म्यूजियम है महाराणा प्रताप जी के टाइम का, जितना उनका सामान था, उनकी लड़ाई से संबंधित वेपन जो थे ना, वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं, और ये उनके महल में ही ये सब म्यूजियम बनाया गया है। ये जो पैलेस है ये बनाया तो उदय सिंह जी के टाइम का ही हुआ है, बट यहाँ राज जो है बाद में आगे उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी किया, तो उस टाइम के लिए ये ज़्यादा फेमस है। ये देखो, ये फोटोग्राफी करने लगे हुए हैं। मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। अरे वाह, ये लेक्स तो आपको दिखती रहेंगे क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स है, तो ये तो हर जगह व्यू है ही। अभी ना यहाँ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, गुजराती हैं शायद, भाषा से लग रहा है। यहाँ से पूरा व्यू मस्त वही दिख रहा है पूरा उदयपुर, और हवा इतनी ठंडी। तो राजा रानी के महल में आके ना मुझे भी राजा रानी जैसे ही फील हो रहा है, रानियों वाला फील आ रहा है पूरा, है ना। और ये देखो यार, ये ना मस्ती लाइफ रही होगी वैसे इनकी, आलीशान जिंदगी थी। ये देखो उनके कमरे, है ना, फर्नीचर भी रखा हुआ है, काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है यहाँ, उस जमाने का फराटा भी रखा हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको स्कूल के बच्चों को ये सब चीज़ें याद करानी है ना कि कब क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, तो उन्हें ऐसी जगह लेके आना चाहिए और दिखाना चाहिए अपना कल्चर। ये देख के वो पता है क्या फील हो रहा है, शकुनी मामा। तो अंदर म्यूजियम देख के हम बाहर आए, रात हो चुकी थी, और यार ये जो फोर्ट की लाइट्स है ना, ये बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो हमने यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करना पसंद किया। और फिर हम आ गए, जगदीश मंदिर है यहाँ का, इनका बर्थडे था तो सोचा मंदिर जाना चाहिए। ये ना अम्बरई घाट पे आ गए हैं हम, यहाँ से एंट्री है, 40 रुपए लिए इन्होंने हमारे दो जनों के। यार ये तो रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट है। मंदिर में जो आरती थी ना उसे सुन के इतना सुकून मिला दर्शन करके, और फिर हम यहाँ लेक पे आ गए, और अब हम जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और खाना खाएंगे। करो ये मेरा पति खुद ही लगा हुआ है अपनी कैंडल्स जलाने में। हैप्पी बर्थडे यार। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया रात को हम डिनर के लिए यहाँ ऊपर आए हैं, और ये देखो नज़ारा, इस साइड तो है स्विमिंग पूल, और इस साइड दिख रहा है शहर, ये देखो, और ये नज़ारे हैं, मस्त है। यहाँ बैठ के खाना खाने में तो पूरा मज़ा आएगा। दोबारा बोलो क्या ऑर्डर किया है? ये दम आलू ऑर्डर किया है, शाही पनीर दिन में खा चुके थे, पनीर खाने का मन नहीं था, मिक्स वेज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और कल हम खाएंगे दाल बाटी चूरमा, तो ये हमने नान किया कि रोटी रोटी किया है। आलू मुझे पसंद है, हाँ मेरे पास भी डाल दो प्लीज। हस्बैंड हो तो ऐसा जो खुद ही अपनी वाइफ को सर्व करते, आपको बुरा तो नहीं फील होता? अच्छा लगता है, बस फिर और क्या चाहिए।